वायरस का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? नंबर एक हो जाएगा न्यूक्लियोइड्स, क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोइड्स। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अब न्यूक्लियोइड्स है यानी न्यूक्लिक एसिड की बात किया जाएगा, यानी आरएनए और डीएनए। अब इस बेसिस पे अब देखिए, जनरली जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल स्टैंडर्ड होता है, और आरएनए का स्ट्रक्चर्स ऑलवेज कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन वायरस एक ऐसे थिंग्स हैं जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए दोनों पाया जाता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। मतलब अलग अलग वायरसेस में अलग अलग टाइप के न्यूक्लिक एसिड पाए जाएंगे, चाहे सिंगल हो चाहे डबल स्टैंडर्ड हो, ठीक है। तो इस बेस पे हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा डीएनए है, कौन सा ऐसा वायरस है जिसमें डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड पाया जाता है, यानी कौन सा डीएनए है जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो देख लीजिए, पारवो वायरस जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। देखिए, डीएनए हमने बताया कि डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन वायरस ऐसे हैं जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी पाया जाता है। यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किस वायरस में पाया जाता है? पारवो वायरस, यानी लीनियर शेप का ये डीएनए होता है इसमें। उसके बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए कौन सा होता है? एडेनो वायरस, हर्प वायरस, जो एनिमल वायरसेज हैं, इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, सीएमवी इनप्लांट, ठीक है, सीएमवी इनप्लांट्स, इसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। यानी एनिमल की बात करें तो एडेनो वायरस, हर्प वायरस, और प्लांट की बात करें कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट है T5 कॉलीफेज, T1, T2, T4, T6, लैम्डा फेज, ये पांच टाइप के होते हैं। T5 कॉलीफेज में पांच टाइप के होते हैं। इन सभी में जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है, यानी न्यूक्लिक एसिड सिर्फ डीएनए होगा और डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि वायरसों में न्यूक्लिक एसिड कोई एक ही होगा, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ठीक है। अब वो बात अलग है कि सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है, वो बात की बात है, ठीक है। इस तरीके से आप श्योर हो जाइए कि कोई एक ही न्यूक्लिक एसिड होगा। अगले पॉइंट में देखते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कौन से वायरसों में पाया जाता है? इसमें हो जाएगा पोलियो वायरस, पोलियो वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। लैप्डो वायरसेस में भी क्या होता है, लैप्डो वायरसेस में भी, इन एनिमल का वायरस है ये, इसमें भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, ओके। टीएमबी इन प्लांट्स एंड अदर प्लांट वायरसेस में जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही पाया जाता है। नेक्स्ट है डबल स्टैंडर्ड, यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए कौन से वायरसेस में पाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर ध्यान दीजिए, रियो वायरस इन एनिमल्स, जो एनिमल का वायरस है रियो वायरसेस, इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। ट्यूमर वायरसेस, ट्यूमर वायरस में भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए। चलिए अब इसी में है दूसरा, हमने पहले ही बताया था कि जो वायरसेस होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड से बने होते हैं। तो आइए उस प्रोटीन कोड को यहाँ पर बोलते क्या है वायरस में, ये देख लीजिए। प्रोटीन कोड को यहाँ पर कैप्सिड टर्म दिया गया है, देखिए प्रोटीन कोड इज नोन एज कैप्सिड, और एक या एक से अधिक अगर प्रोटीन कोट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटीन्स या नंबर ऑफ कैप्सिड्स, कैप्सिड इज नोन एज कैप्सोमर्स, ग्रुप ऑफ कैप्सिड कह सकते हैं इज नोन एज कैप्सोमर्स, ओके। अगले पॉइंट पे चलिए देखते हैं, अब वायरस के अलावा भी कुछ वायरस लाइक ऐसे ही थिंग्स होते हैं जो बहुत ही हानिकारक। अब वायरस ऐसा है जिसमें डीएनए या फिर आरएनए और प्रोटीन कोड ये पाया जाता है, यानी या तो दोनों न्यूक्लिक एसिड में से कोई एक होगा या फिर प्रोटीन कोड पाई जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो वायरस लाइक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ या तो प्रोटीन से बने होते हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं। तो वो क्या है, वो भी वायरस की तरह ही बिहेव करते हैं, उससे स्मॉलेस्ट होते हैं। तो क्या है, वायरस, उसी को हम बोलते हैं वायरस। चलिए वायरस देखते हैं क्या होता है। वायरस फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम गिवन बाय थियोडोर ओटो डाइनर, 1971 ईस्वी में टी ओ डाइनर ने क्या किया था, वायरस टर्म सबसे पहले यानी इसका डिस्कवरी किया था और नाम दिया था, ठीक है। फर्स्ट पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर वायरस, सबसे पहला वायरस क्या था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर, ठीक है,
जिसे शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, PSTVD। लगभग वायरस 33 स्पीसीज आइडेंटिफाइड किया गया है। कितनी स्पीसीज? 33 स्पीसीज में आइडेंटिफाई किया गया है जो वायरस द्वारा डिजीज काज किया जाता है। ठीक है, अगला। अब अंतर क्या है वायरस और वायरस में क्या अंतर है? इस पहले ही पॉइंट पे आप देख लीजिएगा, ये लिखा 80 टाइम्स स्मॉलर देन वायरसेस। देख लीजिए, वायरसों से लगभग 80 गुना क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है? 80 टाइम्स लगभग छोटा होता है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। इसमें न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है, ये देख लीजिए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए टर्म वायरस। सिर्फ इसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही पाया जाता है। और ट्रांसमिट किस किस द्वारा किया जाता है? ट्रांसमिटेड बाई वेजिटेटिव प्रोपागेशन विदाउट प्रोटीन कोट। वेजिटेटिव प्रोपागेशन द्वारा ही ये ट्रांसमिटेड किया जाता है विदाउट प्रोटीन कोट। बिना प्रोटीन कोट का ये बना होता है कौन? वायरस। वायरस बिना यानी विदाउट प्रोटीन कोट के होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दिया, 242 380 न्यूक्लियोटाइड्स, लगभग 240 से 380 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है वायरस। ठीक है,